आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूरत का फेमस मिक्स वेजिटेबल पराठा। इसे सनफ्लावर पराठा या फिर सूर्यमुखी पराठा भी कहते हैं। तो सब्जियों से भरपूर, बच्चों से लेके बड़े सभी को ये पराठे बहुत ही पसंद आएंगे। इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है। इसे आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में भी बना सकते हो। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सूरत का फेमस ये सूर्यमुखी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। उसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें लेना है। अब उसी के साथ हम टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम ऐड करेंगे तेल का मोण, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो घी का मोण भी इसमें डाल सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लेते जाएंगे और सॉफ्ट पराठे का हम आटा गूंथ लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और आटा अच्छे से हमें गूंथ लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। तो इस तरह का पराठे का हमें सॉफ्ट आटा लगा लेना है। ये देखिए, अब गूंथे हुए आटे पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम फिर से 1 से 2 मिनट तक आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये आटा गूंथने में मुझे 1 कप में 1 टेबलस्पून जितना पानी बचा है, उतना पानी मुझे लगा है ये आटा गूंथने में। अब ढक्कन लगाकर आटे को हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम पराठे का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम लेंगे 1/2 कप बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी, 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1/2 कप जितनी बारीक चॉप की हुई प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो, 1/3 कप जितना बारीक चॉप किया हुआ कैप्सिकम, 1 इंच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक, और यहाँ पर मैंने 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर आप चाहो तो हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो। अब 1/2 कप जितना हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर और 1/2 कप जितना कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, आप 1/2 मोज़रेला और 1/2 प्रोसेस चीज़ इस तरह से मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो। 1/2 कप जितना बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे पराठे के स्टफिंग में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना तेल, और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। बाहर के पराठे में चीज़ और पनीर की मात्रा ज़्यादा रहती है, आप अपने हिसाब से, अपने पसंद से चीज़ और पनीर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि स्टफिंग हमारा बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार हम आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से मसल जाए तब हम उसमें से थोड़ा आटा लेंगे और थोड़ी सी बड़ी साइज़ का हम पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे पेड़े बना लेने हैं। इस नाप से आप 4 से 5 पराठे बना सकते हो। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और आटे का पेड़ा हम रखेंगे और इसे हम पराठे जितना बेल लेते हैं। जब हमारा पराठा बेल जाए तब हम उसमें जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी है वो 2 से 3 बड़ी चम्मच जितनी ऐड करेंगे। इस पराठे में स्टफिंग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब पराठे की बॉर्डर को हम इस तरह से लेंगे और पूरा स्टफिंग है वो पराठे से हम कवर कर देंगे और ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बचा है वो उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब लुए को हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो स्टफिंग है वो इक्वली पराठे में फैल जाए। अब थोड़ा सा फिर से सूखा आटा हम स्प्रिंकल करेंगे और हल्के हल्के हाथों से पराठे को हम बेल लेते हैं। तो बिल्कुल आराम आराम से और पेशेंस के साथ इसे बेलिएगा तो ये पराठा थोड़ा सा थिक होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पराठा अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसे शेक लेते हैं।
मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तवा रखेंगे और उस पर हम एक चम्मच जितना तेल डालेंगे और पूरे तवे को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब पराठे को हम गरम तवे पर डाल देते हैं। यहाँ पर आप तेल की जगह बटर या फिर आधा बटर और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस पराठे को घी में भी सेक सकते हो। और दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा तेल या फिर बटर लगाकर उसे उलटते पुलटते हमें पराठे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे सेक लेना है। तो आप देख सकते हो कि पराठे में अच्छे से गोल्डन ब्राउन डिज़ाइन बन गई है और एकदम पराठा भी क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ये पराठा बनकर रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं हो तो नाइफ़ की मदद से इसे कट कर सकते हो। तो हमें जैसा पिज़्ज़ा हम कट करते हैं ना, वैसा ही इस तरह से पराठे को हमें कट कर लेना है। तो हमें ये पराठा टोटल 8 पीस में कट कर लेना है। अब इस पराठे का हम एक एक पीस का लेयर खोलते जाएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये लेयर खुल जाता है और स्टफिंग भी एकदम अच्छी तरह से पूरे पराठे में लगा है। पराठे के सारे लेयर्स खुलने के बाद इस पराठे में मेरे बेटे को मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाऊंगी। और प्रोसेस चीज़ को हम कद्दूकस करके पराठे को गार्निश कर लेते हैं। उस पर थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया डालेंगे। तो रेडी है हमारा सूरत का स्ट्रीट स्टाइल सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी का पराठा। आप इसे टोमेटो केचप, हरी चटनी या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।